दास्तां मौत की हो या जिंदगी की, जब तक उसके पीछे का रहस्य मालूम नहीं चलता ना, तब तक सब अधूरा सा लगता है। हम सभी को पहेलियां बहुत आकर्षक करती है, क्योंकि उसको जानने की जिज्ञासा हमें कहीं ना कहीं उसका उत्तर ढूंढने में मदद करती है। अरे जैसे कि राधे, सलमान खान की मूवी। आग में हाथ डालोगे जल जाओगे। जैसे कि यूनिवर्स, ब्लैक होल्स, सोलर सिस्टम जैसी चीजों को जानने का रहस्य। थॉट कंट्रोल में आप दोस्तों का स्वागत है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम ऑसम वीडियोज आपके लिए लाते रहें। आज हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर मौत के बाद क्या होता है, क्या लाइफ से आगे भी होता है। ऐसी ही एक पहेली को हल करने की कोशिश करेंगे, जिसका इंसान लगभग 300,000 वर्ष से हल निकालने की कोशिश कर रहा है, तब से जब से ह्यूमन रेस शुरू हुई है। The afterlife, मृत्यु के बाद की जिंदगी। बात तो सही है, ऐसे कई सवाल हैं जिनका उत्तर हम काफी वर्षों से ढूंढ रहे हैं, पर सफलता पाने से काफी दूर है। जैसे कि क्या हम मरने के बाद दूसरी दुनिया में चले जाते हैं? क्या मरने के पहले लोग कुछ सुपरनेचुरल चीजें अनुभव करते हैं? क्या हमारी आत्मा भी डेड बॉडी के साथ खत्म हो जाती है? एक इंसान तब मरता है जब उसके दिल की धड़कन बंद हो जाए, या तब जब हमारे ब्रेन में ब्लड सर्कुलेट ना हो। तो इसका ये तात्पर्य निकाला जा सकता है कि जब धड़कन बंद तो हम भी बंद। बट कई स्टडीज से ये भी पता चलता है कि किसी की मृत्यु के समय उसके दिमाग ब्रेन में ऊर्जा का विस्फोट होता है, बर्स्ट ऑफ एनर्जी। स्टडीज के अनुसार भाई साहब, जब दिल धड़कना बंद करता है ना, तो उसे हम ग्रे मैटर कहते हैं, जो कि दिमाग का वो हिस्सा होता है जहाँ पर अधिकतर ब्रेन न्यूरॉन सेल्स होते हैं। भाई साहब ग्रे मैटर हमारी मसल एक्टिविटी और सेंसरी परसेप्शन में मदद करता है भाई साहब, जैसे कि बोलचाल, मेमोरी, स्पीच एसेट्रा एसेट्रा। तो भाई साहब, हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर के कारण हमारा ग्रे मैटर ना कम हो जाता है, जिसके कारण मेमोरी लॉस, हियरिंग और स्पीच का संतुलन नहीं रहता भाई साहब। इसीलिए भाई मूवीज में जब हार्ट अटैक का सीन दिखा रहा होता है तो बीप साउंड और वो ब्लरी विजन के तौर पे दिखाया जाता है। नहीं जी भाई साहब, हार्ट अटैक जैसी चीजों के बाद या मरने के बाद का रहस्य और भी डीप होता जाता है। डॉक्टर सैम परीना, जो कि डायरेक्टर हैं क्रिटिकल केयर एंड रिससिटिकेशन रिसर्च में, जो न्यूयॉर्क में एस्टेब्लिश्ड हैं, वो और उनकी टीम ऐसे लोगों की खोज कर रही है जिन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ, डॉक्टर्स ने उन्हें डेड घोषित किया हो, पर किसी कारणवश या चमत्कार से वापस जीवित हो। I'm not there. ऐसे लोगों का इंटरव्यू किया गया और सवाल किया गया, तो उन्होंने बताया कि उन्हें सब मालूम था कि उनके आसपास में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कौन क्या बात कर रहा है, जबकि वो मृत घोषित किए गए थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, कई सिचुएशन में जहां पर इमरजेंसी प्रोसेस में कुछ लोग जो हैवी ड्रग्स के द्वारा वापस जीवित किए गए हैं, जिनकी ब्रीदिंग रुक गई थी और क्लिनिकली वापस लाई गई थी। ऐसे लोगों से अक्सर दो तरह की बातें सुनने को मिलती है। पहली, कुछ लोगों का कहना था कि उन्हें एक व्हाइट लाइट का एहसास हुआ, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक व्हाइट टनल में है। दूसरा, कुछ लोगों का कहना था कि वो दूसरी जगह में अपने करीबी लोगों से मिलकर आए हैं। जी हाँ, ऐसे लोग जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसे तथ्यों पर हम आपको बताएंगे कि कैसे विज्ञान ने इन रहस्यों का पता लगाया है। भाई साहब, क्या अजीब चीजें होती हैं मरने के बाद, अलग ही ट्रैक चल रहा है। अब बात करते हैं मेडिकल टर्म की, बात करते हैं माइकल शर्मर, जो कि एक अमेरिकन साइंस राइटर है, हिस्टोरियन साइंस है और स्केप्टिक सोसाइटी के फाउंडर भी है। उनका इस विषय में कहना है कि लोगों को नियर डेथ एक्सपीरियंस भी होता है, जिससे लोग एक दूसरे स्टेट में कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं, पर वो भाई साहब सब महसूस कर सकते हैं, और इसे कहते हैं ल्यूमिनल ट्रांजिशनल स्टेज। क्या बोलते हैं? ल्यूमिनल ट्रांजिशनल स्टेज बोलते हैं भाई साहब इसको। ये ट्रांजिशन फ्रॉम बींग अलाइव टू बींग डेड की है भाई साहब, इसमें लोग सब समझते हैं पर फील नहीं कर सकते। सर मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल फिट हूं। होता है, मरने से पहले हर आदमी को ऐसा ही लगता है। और ये काफी इजी ऑनगोइंग ट्रांजिशन होता है। अब बात करते हैं दूसरे सिचुएशन की, मौत की, उस वैज्ञानिक राज की जिसको ब्रेन कॉर्टेक्स कहते हैं।
और जो लोग यह कहते हैं कि उन्हें एक व्हाइट टनल एक्सपीरियंस हुआ, जिसका मतलब है कि उन्हें सफेद सुरंग में होने का एहसास होता है, ऐसी कंडीशन में हमारा ब्रेन कॉर्टेक्स बंद हो जाता है और हमारी विजुअल कॉर्टेक्स ओपन रहती है, जिसके कारण हमारे स्कल के पिछले वाले हिस्से में हमें महसूस होता है हम एक व्हाइट लाइट टनल में हैं। कुछ लोगों का कहना था कि वो मौत को फेस करते समय दूसरे लोगों से मिले हैं। अगर आपको इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन जानना है तो पहले लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। लोगों से मिलने के पीछे का साइंस ये कहता है कि कई केसेस में जब भी ओपन ब्रेन सर्जरी होती है या मिर्गी के मरीजों में, तो वहाँ ब्रेन को कट करते हैं और देखते हैं कि सीजर्स कहाँ पे, ताकि डैमेज न्यूरॉन्स को वहां से निकाल पाए और कोई बड़ी आपदा आने से रोक सके। डॉक्टर्स और पेशेंट्स में एक डील होती है कि ऑपरेशन के बीच में या उन्हें जगाकर उनके विजन के बारे में पूछेंगे और उनके विजन के अकॉर्डिंग ऑपरेशन किया जाता है। इससे ये पता चलता है कि सब मेमोरी न्यूरोलॉजिकली स्टोर्ड है, और जो लोग ये कहते हैं कि उनकी मौत के समय उन्होंने किसी को देखा है, तो इसका रीजन न्यूरोलॉजिकल है। अरे मेरा दिमाग की सर्जरी करी जाए तो क्या है वो ओपन विजन में? अरे गोबर। अलग अलग लॉजिक्स के साथ मौत के एक्सपीरियंस को समझा और बताया जा सकता है, पर क्या आप उन बातों से संतुष्ट हैं? क्या आप इस बात को मान लेंगे कि लोग सिर्फ न्यूरोलॉजिकल बेसिस पर लोगों को देखते हैं? क्या हम वाकई में नहीं मरते? ये सब बातें सिर्फ हमारे दिमाग का खेल है। इज देयर नथिंग कॉल्ड आफ्टर लाइफ? या हमारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में लिमिटेशंस हैं जो हमें सही आंसर नहीं दे रहे? या दोस्तों सच में कोई आफ्टर लाइफ है? ऐसे ही सवालों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहे थॉट कंट्रोल पर। है भाई साहब, इसके बाद ना सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और इस बेल आइकन को बजा दीजिएगा भाई साहब, है ना? ठोको ठोको भाई साहब, अरे सब्सक्राइब करो भाई साहब, सब्सक्राइब करो। बाय बाय, अगले वीडियो मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।